वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल. आज हम एक की मात्रा सीखेंगे, है ना. आज हम एक की मात्रा सीखेंगे. सबसे पहले यहाँ देखिए, सामने आपको चित्र दिखाई दे रहे हैं. चित्र में जो पहला चित्र है उसमें क्या लिखा है, ए क, दोनों मिलकर बना एक. क्या बना, एक. ए डी, एडी. क्या पढ़ेंगे इसे, एडी. क, क में ए की मात्रा. आप देख रहे हैं ए की मात्रा अक्षर के ऊपर लगती है. कहाँ लगती है, अक्षर के ऊपर लगती है. यहाँ देखिए, जैसे आपको दिया है क, क में ए की मात्रा, तो इसका उच्चारण होगा के. क्या होगा, के ला, जिसे हम पढ़ेंगे केला. ठीक है, वैसे ही यहाँ पर दूसरा चित्र, स, स में ए की मात्रा, से ब, मिलकर बना सेब. क्या बना, सेब. वैसे ही तीसरा चित्र यहाँ देखो, क्या है ये, जंगल का राजा. क्या है, जंगल का राजा, जिसे कहते हैं हम शेर, है ना. श, श में ए की मात्रा, शे र, शेर, है ना बच्चों. तो ऐसे हम अलग अलग शब्दों में, एक अक्षरों में ए की मात्रा लगाकर उसका उच्चारण करेंगे और नए नए शब्द बनाएंगे. अब जब हमें ए की मात्रा की प्रैक्टिस करना है तो हमें उसे क्या करना पड़ेगा, बार बार दोहराना पड़ेगा, है ना. जब तक हम किसी चीज़ को दोहराते नहीं हैं तब तक हम उसे बहुत अच्छे से बोल नहीं पाते हैं. तो जब हमें इसका उच्चारण बहुत अच्छे से करना है तो हमें इसे बार बार दोहराना पड़ेगा, है ना. तभी हम इसे सही तरीके से बोल पाएंगे और पढ़ पाएंगे. तो यहाँ पर नीचे देखिए, प्रैक्टिस के लिए हमें वर्ण दिए गए हैं, है ना. वर्णों के साथ में, सभी वर्णों के साथ में ए की मात्रा लगी है और हमें एक एक करके इसका उच्चारण करना है. तो यहाँ जितने भी आपको अक्षर दिख रहे हैं ना, क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह. तो ये हमें सारे व्यंजन दिए हैं. क्या दिए हैं, ये हमारे सारे व्यंजन हैं. इन व्यंजनों में हम ए की मात्रा लगाएंगे. किसकी मात्रा लगाएंगे, ए की मात्रा लगाएंगे और इसका उच्चारण करेंगे. एक दो मैं आपको बताती हूँ, फिर आप खुद से इसे दोहराएंगे. जैसे क में ए की मात्रा के, ख, ख में ए की मात्रा खे, ग, ग में ए की मात्रा गे, और घ, घ में ए की मात्रा घे, है ना. तो इस तरीके से हम अक्षरों के साथ में ए की मात्रा को लगाकर उनका उच्चारण करेंगे. अब इसके बाद हम देखते हैं, यहाँ हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, है ना. जैसे भेड़, भेड़. क्या पढ़ेंगे इसे हम, भेड़. प, प में ए की मात्रा, पे, ड, पेड़. ब, ब में ए की मात्रा, बे, र, बेर. ज, ज में ए की मात्रा, जे, ल, जेल. त, त में ए की मात्रा, ते, ल, तेल. ख, ख में ए की मात्रा, खे, ल, खेल. म, म में ए की मात्रा, मे, ला, मेला. ठ, ठ में ए की मात्रा, ठे, ला, ठेला. न, न में ए की मात्रा, ने, ता.
नेता। स समय एक ही मात्रा, से ना सेना। उसके बाद यहाँ पर तीन अक्षर वाले शब्द आते हैं, जैसे ब, ट में एक ही मात्रा, टे र बटेर। ग, न, न में एक ही मात्रा, णे श गणेश। र, र में एक ही मात्रा, रे श म रेशम। स, व में एक ही मात्रा, वे रा सवेरा। क, र, र में एक ही मात्रा, रे ला करेला। वैसे ही स, ह, ह में एक ही मात्रा, हे ली सहेली। ज, ल, ल में एक ही मात्रा, ले बी जलेबी। र, र में एक ही मात्रा, रे ल गा डी रेलगाड़ी। में एक ही मात्रा, मे ह मान मेहमान। उसके बाद ला, ल, ट, ट में एक ही मात्रा, टे न लालटेन। क्या पढ़ेंगे? लालटेन, है ना। तो इस तरह से बच्चों आपको एक ही मात्रा वाले शब्दों को दोहराना है, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं, हमें कहानी दी गई है, एक ही मात्रा से बनी के शब्दों से बनी है कहानी, जिसका नाम है सेब का पेड़। क्या नाम है? सेब का पेड़। केशव एक सेब का पेड़ लाया, उसने उसे घर के बाहर लगाया। वह उसे हर दिन पानी देता। कई साल बीत गए, पेड़ काफी बढ़ गया। अब उस पर सेब आने का समय आ गया। उस पर खूब सेब लगे, हरे हरे। सेब देखकर केशव मन ही मन मुस्काया। धीरे धीरे सेब पहले लाल हुए और फिर पीले, वे पक गए थे। अब बच्चों, हमें कहानी में क्या बताया है कि एक केशव नाम का लड़का रहता है, वो क्या करता है, एक सेब का पेड़ लाता है और उसे घर के बाहर लगा देता है। अब बहुत जब साल हो जाते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा जब हम बीज बोते हैं तो उससे बड़ा होने में पहले पौधा बनता है, पौधे से धीरे धीरे बड़ा होकर वो पेड़ के रूप में आ जाता है, तो बहुत समय लगता है। तो बहुत वर्षों के बाद में जो वो पेड़ था काफी बढ़ गया। अब जब बढ़ गया तो उसमें क्या आएंगे, फल आने का समय आया, सेब आने का समय आया, तो उसमें सेब लगे। अब जब कोई भी फल लगता है तो वो सबसे पहले कच्चे रूप में रहता है, है ना, तो उसका जो रंग होता है वो हरा होता है। वैसे ही सेब का रंग कैसा था, हरा, और फिर धीरे धीरे वह लाल रंग में आए, और जब वो पकने लगे तो उनका रंग पीला हो गया था, क्योंकि वे पक गए थे। अब उनके खाने की बारी थी, क्योंकि जब फल पक जाते हैं तभी तो हम उन्हें खाते हैं ना, वैसे ही अब सेब पक चुके थे, तो अब उनके उन्हें खाने की बारी आई। वाह, कितने मीठे सेब, केशव सेब खाकर खुश हुआ। एक दिन उसके मित्र महेश, सुरेश और नरेश भी आ गए। सबने पके पके सेब खाए। अब सेब खाने की बारी आई। जैसे ही केशव सेब खाता है तो अरे, उसे तो बहुत मीठा लगता है और बहुत खुश होता है वो सेब खाकर। और एक दिन उसके मित्र भी वहाँ पर आते हैं और सबने सेब खाए। सबने गीत गाया, खाओ सेब बनाओ सेहत, खाओ सेब हर दिन एक, बनो तेज और बनो नेक। ये एक छोटा सा गीत है जो उन्होंने गाया, है ना। इस गीत में हमें क्या बताया है कि हमें क्या करना चाहिए, सेब खाना चाहिए। बच्चों, सेब खाना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। सेब खाने से हमारी सेहत बनती है, दिमाग भी तेज होता है, है ना। तो आप सब भी सेब खाया करो, है ना। वैसे तो खाते होंगे और सबको पसंद भी होंगे।
है ना। पर जो नहीं खाते हैं वो भी खाया करो, ठीक है। चलिए, कैसा लगा आपको पाठ? अच्छा लगा सभी को? इस पाठ को एक बार आप फिर से और पढ़ेंगे इस कहानी को, है ना, और मज़ा आएगा और बहुत अच्छे से समझेंगे, बार बार इसको दोहराएंगे तो आपको एक ही मात्रा वाले शब्द पढ़ने में और समझने में आसानी होगी। हैव अ नाइस डे।